सुबह की शुरुआत आंवला के साथ। सुबह सुबह आंवला का मैंने जूस निकाल लिया था, ये तो पता ही होता है। आंवले के कई फायदे होते हैं, आज आँखों की रोशनी के लिए, जैसे कोई एसिडिटी हाइपर जैसे ज़्यादा हो जाती है, एनीमिया है, और भी कई चीज़ें होती है, जैसे खून को भी साफ करता है। और वैसे भी सीजन आया हुआ है आंवले का, तो मैं सोचा मैं क्यों ना सुबह सुबह खाली पेट इसका यूज़ कर लिया जाए। पड़ोसियों के से आ गए थे 1-2 किलो सारे, तो मैं अपना जूस बना के पीते हैं, और तो कोई पिएगा नहीं, मैं नहीं पीना पड़ेगा इनका ना। फिर मैं कई काम निपटा दिया करूँ, फिर अपने एक्सरसाइज करने लगी थी, फिर लगाती हूँ 1 घंटा, क्यों बीच में फिर वो टेंशन नहीं रहे ना कि ये काम है, मैंने रई लगानी है, ये करना है, वो रई रई लगा के मक्खन करके निकालती बाद में हूँ, तो फिर एक्सरसाइज करने लग जाती हूँ मैं अपनी। और इतना वो ठंडी भी हो जाती है, नहीं तो ये गर्म हो जाती है जो छोटे वाली रही होती है ना, हाथ भी जल जाता है कई बार तो इनसे। हाँ जी, राम राम। टाइम हो गया, 7 बज गए हैं पूरे, तो अब अपना हो गया एक्सरसाइज, कर लगे काम। एक बार बैठ जाते हैं तो फिर उठने का दिल नहीं करता, ये सोचते हैं ना यही मैट बिछ रही है, एक बार तो लेट जाओ यहीं पर। राम जी ने ठंड ही कर दी, ठंड ही हो रही है थोड़ी, जब तक ना करते जब तक तो ठीक है, नहीं वैसे बाहर निकलते हैं तो ठंड लगती है, रहना ही है, मौसम ख़राब, 1-2 दिन और बता रहे हैं तो फिर तो और ज़्यादा ठंड हो जाएगी ना। अब तक कोई नहीं थी ठंड, नवंबर जा ही लिया, दिसंबर आ गया है, यूँ अंदर तो पर यूँ ही चल जाता है बगैर स्वेट शर्ट के, शॉल के, बाहर निकलते हैं जब वो डालनी पड़ती है। अब पहले तो लगा कि हम भी मशीन कपड़े धोने हैं, आज पहले यही काम करती हूँ, मशीन से ही करती हूँ स्टार्ट, और काम बाद में होंगे, फिर साथ के साथ होते रहेंगे किचन वाले, तो चलो लगा आते हो। टाइम हो गया 8:40, कपड़े धो रहे हैं, कई देर होगी तो किचन में लगी थी मैं, सब्जी सब्जी बना दूँ ना, सब्जी बना दी है आलू मटर की, और बथुआ बॉयल करके ना कूट के ना रख रखा, बस रहता रहता बनाना रख रहा है, उधर कुंडी में रखा हुआ है, सारे आटे भेज दिया, कपड़े सुखा के होना, और वैसे और ही है ठंडी, बाहर निकलते हुए छत पर जाते हुए तो आज यूँ लगे है ना बिल्कुल ठंडी हवा, हवा नहीं है यूँ ठंडी हुआ ठिठुरन सी, जैसे बर्फ गिरी हो ना कहीं, इस तरह का मौसम हो रहा हो, तो बाहर कपड़े में लगे हुए थे ना, पता नहीं लग रहा था, तो काम करते हुए भी इतना ध्यान नहीं जाता, पर बाहर निकलते हैं ना जब ऐसी ठंडी लगे है ना। और अभी ना दूध वाले आया हुआ है ना कूड़े वाला आया हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ बेटे को बोल कर ना कपड़े तो मैं सुखाए आऊँ के इंतज़ार में, तो फिर मेरे कपड़े भी रह जाएंगे लटकते हुए, क्यों फिर रोटियाँ का टिफिन पैक करना है, मैंने रायता भी बनाना है, तो इतना दूध वाला आया तो कूड़े वाले की तो आवाज़ नहीं आ रही, दूध वाला आएगा तो ये लेगा, बेटे को बोलती हूँ ले तो लेता है, पर वो 2 कुत्ते हैं, एक हमारी फांडी है, एक वो बिल्कुल पीछे पतीले को गिराने न हो जाते हैं, दूध वाला जब आता है वो मैं ही लेके आती हूँ ना, पर अब ले तो आएगा मजबूरी में, मैं नहीं आऊँगी तो। एक बारिश से ही पौधे चेंज हो गए, जिस तरह गोभी दे कितनी बड़ी रही, एकदम यूँ कान खड़े करके कितना ही पानी डाल लेना हम ये बोरिंग वाला, पर बारिश का जो पानी होता है ना थोड़ी सी बूंद आई थी, कल बूंदाई बंद ही रही थी, उसी का इतना असर है दे सब्जियां में, कोई भी सब्जी देख लो पहले काटी थी एकदम अलग ही दिखती है सब्जियाँ बारिश के पानी के, दिल खुश हो गया सब्जियों को देख कर ना, बारिश के पानी के कारण, बारिश के कारण तो थोड़ी ही हुई है, पर सही एकदम यूँ खिल सी गई। तभी मैंने परसों किसी के ही पौधे देखे थे ना, मैं उन्हीं से पूछा मैं आपके पौधे हमारे मेरा में इतना फ़र्क क्यों है, तो उन्होंने बाई चांस ये पूछ लिया मैं पिछली वीडियो में भी, आप कौन सा पानी है, मैं हमारा तो बोरिंग वाला है, हमारा सप्लाई वाला पानी है, किसी के कारण है ये सारे, तो देखेंगे टेस्ट करवाएंगे, इसको भी जो कमी होगी वो करवाएंगे, फिर सुखा देती हूँ कपड़े, कूड़े वाला बोल गया है पीछे, और मौसम देखो धुंध का बुरा हाल हो रहा है। इस टाइम 2 ही जने खाते हैं, माँ बेटा, वैसे इनको ऑफिस में जाना होता है, माँ का अपना उसका टाइम हो जाए खाने का, वो गेहूँ की खाती है, ये बाजरे की खा के जाएंगे, तो 2 रोटियाँ पीछे फिर आटा भी गोना पड़ा है, क्यों ये बाजरे की ही खाते हैं, फिर रोटी बाजरे की और एक कटोरी बथुए का रहता, ये खा कर जाएंगे, इनको ऊपर अच्छा मक्खन रख कर टेस्ट अलग अलग टेस्ट किया गया भी खाना देसी खाना। राम राम सभी को। टाइम हो गया 10:30, 10:30 से ऊपर ही होने वाले हैं, तो मेरा ब्रेकफास्ट चल रहा है, तो क्या खाते हो, क्या लेते हो आप डाइट में? कुछ नहीं, मैं ऐसा ऐसा वो नहीं लेती, हाँ सुबह मेरे ज़्यादातर वो ही होते हैं, फ्रूट ही होता है, आजकल मेरा पपीता चला हुआ है, ये फ्रेंड के घर से आया हुआ है फरी का, तो बगैर मसाले का है, तो ये चला हुआ है, और साथ में ड्राई फ्रूट पपीते खा रही हूँ आजकल मैं, ना कम खाती थी, बगैर मसाले का है, बहुत मीठा है, इसलिए इसको खाती हूँ। ब्रेकफास्ट में तो मेरा अभी यही चला हुआ है, फ्रूट ही होते हैं, क्यों सब खा लें फिर मैं अकेली रह जाऊँ तो मेरा मन ही नहीं करा करता फिर अकेले का ना खाने को, तो इससे अच्छा मैं फिर फ्रूट काट कर ना अपने ड्राई फ्रूट वो लेकर बैठ जाया करूँ, फिर दोपहर वाला दोपहर के टाइम डाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं लेते, नॉर्मल होता है, नॉर्मल जो घर में बनता है वो, यहाँ रोटी जरूर हम चेंज कर लेते हैं, तो और कुछ नहीं, यूँ करती हाँ भाई कुछ स्पेशल बना रहे हों या कर रहे हों, कभी कभी मन करता है तो वो भी कर लेती हूँ, यूँ भी नहीं है कि हाँ भाई
कई बार रोज जैसे रोटी खाने को मन नहीं करता और कुछ है वो चेंज करने को दिल करता है तो वो भी बना कर कर लेती हूँ। ओट्स वगैरह ही होते हैं या बेसन के चीले सब्जी या जैसे भी है मैं डाल दिया करूँगी, जो भी जिस दिन अलग होएगा ना उस दिन डाल भी देंगी मैं, क्योंकि अब सब्जियाँ आ रही हैं तो सब्जियों के साथ तो कुछ ना कुछ बन ही जाता है, सर्दियों में जो सब्जियाँ होती है तो जिस दिन अलग सा होएगा उस दिन मैं डाल भी दिया करूँगी, कैसे भी मैं खा लेती हूँ। तो ठीक है अब मैं कर लूँ। फिर ग्रो बैग की लगी थी सेटिंग करने, क्यों इसके स्टैंड का हो गया था पेंट, तो ये दिवाली पर मंगवाया हुआ था, सेल में मंगाया हुआ था तो इसमें काफ़ी टाइम लगना था, मौसम भी ठीक था इसमें, अब ये सेट करके ना कुछ बोया जाएगा ना, तो रखा हुआ था कुछ तो स्टैंड के कारण ही रखा हुआ था, स्टैंड नहीं तैयार हो रहा था, स्टैंड तैयार हुए तो फिर पेंट वाले के कारण रह गया, कई दिन बस यूँ रुकया ही हुआ था काम का, यूँ भी पता है ये अब फिर रुकेगा कई दिन, फिर इसमें नीचे जो डालते हैं पत्ते डालते हैं तो वो लेने पड़ेंगे, क्यों चौड़ा हो जाता है तो पत्तों की ज़रूरत होती है। बाहर तो बात नहीं कर पाई थी छत पे, क्यों ढोल बाजा है पड़ोस में शादी है कड़ी में तो वहाँ ढोल रख रहा डम डम पूरा शोर मचाया हुआ है, तो दरवाजा बंद हो गया तो हमने काम कर लिया, और ये जिस तरह खेता में तो अपनी पोटली बांध के चल रहा है ना साग सब्जी की, अपनी पोटली बांध ली है तो ये जाकर ना अपने काम करा, नीचे लंच का टाइम हो रहा है, ग्रो बैग जोड़ना था उससे में टाइम लगना था वो मैंने जोड़ दिया खड़ा कर दिया, कपड़े बाद में लेके जाऊंगी, पहले पालक काटी है और धनिया काटा है, साग सोच रही हूँ लेऊंगी आज सब्जी वाला आवेगा तो पालक अपनी ले ली पोटली बोझ रही हूँ अपनी पूरी खेतों वाली फीलिंग ले रहे हैं छत पर है, तोड़ के नर फ्रेश फ्रेशर चल पड़े। ये मेरा लंच है भाई, सब्जी है, रायता है, पतुए का चटनी है, सैलड है और एक रोटी है रागी की। राम राम जी, प्लेट मैंने अपनी दिखा दी तो ये है रायता या दही तो मैं लेती ही लेती हूँ, ये चीज जरूर होनी चाहिए वैसे बेटा, आज कोशिश करूंगी सारा कुछ डालने की, थोड़ा थोड़ा कट करके ना थोड़ा ही दिखाऊंगी, दोपहर का भी थोड़ा ही है रोट भी, तो कुछ कमेंट है एक दो का ही जवाब दूंगी ज्यादा नहीं, फिर वह वीडियो लंबी हो जाती, फिर कमेंट में तो मैंने जवाब दे ही दिया उनका, तो अब मैं खा लेती हूँ खाना, टाइम लगेगा ना 1:30 बजे हुआ है तो 2 बजे तक आधा घंटा मान के चलती हूँ मैं एक रोटी में। फिर ये शाम का टाइम है, सैर करके आने के बाद का, साग काट लिया था मैंने, साग काटने के बाद अपना सलाद भी काट लिया था, सलाद काटने के बाद उसको मैं मिक्स करने लग रही हूँ। सैर करके आ गई थी, आजकल जल्दी आ जाती हूँ, 6:30 ही रोटना सैलेड बनाया है, साग काटा है, साग काटा हुआ है मैंने, यो भी इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाया है ना, साग में छाँट छूट कर गई थी, छाँट तो 1 दिन में ही दिया था क्यों पालक ऊपर से लाई थी, फिर साग में इतना होता नहीं बथुआ ही छाटना था तो फिर ये काटने में लगे, अभी ये काट दिया है क्यों सुबह बॉयल करूँगी तो आसानी रहेगी काटने वाला कोई, वो टाइम वेस्ट नहीं होएगा काटने वाला, और सैलेड अपना मैंने बना दिया है तो अब मैं खाऊंगी। इस टाइम तो यही हो अगर है ना जिस तरह वो दही होती है अंक जैसे उसका पानी हाने छोड़ के ना दही डाल के ना कुछ वो कुछ राजमा बॉयल करी हुई थी, क्यों मेरे फ्रिज में होता ही है काला चना और सफ़ेद छोला और राजमा जैसे मैं रख लेती हूँ तो चल जाती हैं वो, शाम को हम मम्मी बेटा ज़्यादातर सैलेड ही खाते हैं, और कॉर्न थी कॉर्न बॉयल्ड कर ली थी, राजमा बॉयल्ड थी और लेटस पत्ता था जो हमारा ऊपर होता है, खीरा और टमाटर, तो ये चीज़ें थी जिस तरह कड़ वो मैंने अंक कर ली थी उसका पानी हाने छोड़ के, उसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल कर ना और फ्लैक्स थोड़ा हा नींबू और नमक डाल कर थोड़ी ही काली मिर्च डाल दी थी और थोड़ी ही लाल मिर्ची, तो वो चीज़ डाल कर ना वो इसके अंदर मिक्स कर दी थी तो अच्छी टेस्टी लगे अगर ये सैलेड ना तो अच्छी लगे है, जिस तरह राजमा भी होगी तो अच्छा कॉर्न भी होगी, स्वीट कॉर्न होगी राजमा होगी तो राजमा में प्रोटीन हुआ है चीज़ें ना, दालें तो वैसे भी खानी या दाल होती तो फिर मैं दाल खाती बॉइल्ड दाल होती ना तो वो खा लेती हूँ, उसमें प्याज टमाटर काट के दाल में एक कटोरी में तो वो चीज़ खा लेती हूँ, ये चीज़ें खाती हूँ मैं, ये इस तरह हमारा सलाद बन जाता है। होता है क्यों भूख नहीं लगती 32 बार जैसे हम करते हैं ना, 3 बजे तो वो चाय पी होती है ग्रीन टी, 2 बजे तक जैसे लंच खत्म होता है तो 3 बजे ग्रीन टी पीते हैं तो फिर भूख ही नहीं लगती, चाय का भी ये होता है अगर किसी दिन मन कर गया तो पी लेती हूँ ना, वो भी नहीं पीती मैं चाय कम ही पीती हूँ, एक आध बार पिया करूँ ना फिर वो पानी वगैरह पी ले तो वैसे ही नहीं होती, तो यही चीज़ खाई जाती है ये खाया जाता है, तो ये भी 2 जनों का है, ये भी नहीं है यूँ है अकेले का ही हो, ये भी 2 जने खाएंगे, तो ब्रोकली नहीं है ना ब्रोकली भी डाल लेती हूँ थोड़ी ही बॉयल स्टीम है करके ना वह भी डाल लिया करूँ, तो आज ब्रोकली ख़त्म थी तो वो भी मिक्स कर देती मैं, प्याज भी डाल लेते हैं पर मैं शाम को प्याज नहीं डाला कभी, वो मुँह में से सर्दियों का टाइम है ना फिर अपने आप ही आने लग जाता है जैसे प्याज की हो रही है, तो और कुछ नहीं सिंपल होता है रात को भी अपर अलका रहता है, जैसे 7 बजे तक मेरा खत्म हो जाएगा 8 बजे फिर गारंटी हो जाएगी, फिर वो जरूरत ही नहीं है, अगर मन कर गया तो दूध ले लेना 7 बजे से पहले फिर वो दूध नहीं लेना, तो यही है अगर चाय नहीं लेती तो थोड़ा बहुत गर्म गर्म दूध ले लिया करो, मैं यही चीज़ चला करना और ऐसा कुछ नहीं, तो चलो तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।